नमस्कार किसान भाई, आप सभी का स्वागत है हमारे रजवाड़ी फार्मिंग यूट्यूब चैनल में। और मैं हूं कैलाश और मेरा गांव है कुदरिया प्रपड़ गांव, जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़। किसान भाई, आज मैं दिखाऊंगा एक करेब पीछे दिख रहे हैं, वो लगा है क्या बोलते हैं जो धागा लगाए हैं, उसमें करेला लगा रहा हूँ और खीरा भी लगा रहा हूँ बगल में, तो उसे दिखाऊँगा मैं। और क्या बोलते हैं कि अभी मॉर्निंग का टाइम है, अभी आज डेट है 28 सितंबर 2022। तो किसान भाई, मैं इसको ट्री में पहले नर्सरी तैयार किया था, दिखाऊंगा कि कैसे लगाऊंगा इसको। अभी लगाने से अभी मॉर्निंग का टाइम है, अब कुछ को लगा चुके हैं और कुछ बचा है, तो मैं सोचा कि भी वीडियो को शूट कर लिया जाए। तो किसान भाइयों, पूरा वीडियो को देखिएगा और क्या बोलते हैं इसे कौन सा वैरायटी है, खीरे की करेले की, पूरा बताऊँगा मैं आपको डिटेल में। तो किसान भाई, चले चलते हैं अपने खेत में, और खेत में खड़ा हूँ तो दिखाता हूँ आपको डिटेल कट हो कि कैसे लगाया था, क्या क्या खाद डाला था। तो चलिए अपने खेत में चलता हूँ। अब बता दूँ कि मेरे खुद का बाड़ी का है, मैं दूसरे का शूट नहीं कर रहा हूँ। किसान भाइयों, मैं आपको बता दूँ कि इसमें SSP सिंगल सुपर फास्फेट का डाल रहा हूँ। इसमें मैं आपको बता दूँ कि इसमें अलग अलग प्रकार से खाद डाल रहा हूँ, इसमें तो SSP डाल रहे हूँ, और उधर दिखाऊँगा कि सागरी का है, यूरिया हो गया और पोटास है, सबको मिक्स। इधर गोबर की खाद डाल, देखिए इसमें क्या डाल रही है, खीरा लगाना है इसलिए मैं खाद डाल रही हूँ गोबर की। बहुत ज़्यादा डाल रही है, और डालना है इसमें जरूर। हाँ, बहुत ज़्यादा है। और खाद लेने की जा रही है क्या? हाँ, ये देखिए किसान भाई, यहाँ सभी खाद रखा हुआ है। मैं बता दूँ कि इसमें करेला लगा रहा हूँ, इसमें गड्ढा करवा रहा हूँ, एक एक फीट से थोड़ा कम ही है। इसमें गोबर की खाद, यूरिया, SSP और पोटास सब मिक्स करके, इधर देखिए बेड बना रहे हैं, जो एकदम डिस्टेंस नाप नाप के लगाएंगे इसमें, इसलिए निशान कर रही हो। अब इधर है नर्सरी, इसको मैं 11 सितंबर को नर्सरी किया था और 25 को इसको खेत में लगाने की तैयारी कर रहे हैं, आज ही लगाएंगे। और देखिए कितना शानदार है प्लॉट, पौधे, एक करेला और इधर खीरा है, दोनों को ट्री में ही तैयार किए थे। ट्री में जल्दी तैयार होता है, इसलिए हम लोग ट्री में तैयार करते हैं अधिकतर पौधे को। खीरा और करेला दोनों को लगाएंगे बाड़ी में। मैं बता दूँ कि आज 25 सितंबर है, इधर देखिए मैं लगा रहा हूँ करेला को, इधर नहीं खीरे है, खीरा है। इधर देखिए कोकोपीट से तैयार किया था, थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ गया है। अब बता दो किसान भाई, कहीं कहीं इसमें फूल भी आना चालू हो गया है। अब वैरायटी की बात की जाए तो यह क्रिस की है, बिनार की क्रिस है। ये देखिए मैं ही लगा रहा हूँ। डिस्टेंस के बारे में बात की जाए पौधे से पौधे, तो एक एक फीट की है। और पहले से तार बांस था, इसमें पहले करेला लगाए थे, तो करेला बरसात में लगाया था, जब जब करेला ख़त्म हो गया तो इसमें खीरे लगा दे रहा हूँ, थोड़ा सा खाद पानी डाल के। ये देखिए एक करेला खीरे है, और इधर भी देखिए बेड में मिट्टी उट्टी डाल रही है, जो गिरे ना खीरे, जो कम मिट्टी डाला हुआ था उसमें से। और इधर देखिए मेरे पिताजी लगा रहे हैं, ये भी खीरे ही लगा रहे हैं। देखिए किशन भैया, मैं आपको मेरे बाड़ी को दिखा रहा हूँ, जहाँ उधर केला लगा है और इसमें खीरा लगा है, और इसने पहले करेला लगा था। ये देखिए इसमें लगाएंगे यहाँ से यहाँ तक, इधर की तैयारी चल ही रहा है। तो अब आते हैं खीरे में, देखिए खीरा 2 दिन हुआ है लगाने के, लगा चुके हैं इसमें, लगाए हुए इसको, देखिए जड़ पकड़ लिया है। इसे प्रोट्रे से तैयार किए थे पहले हम लोग खीरे को, देखिए कितना शानदार
देखिए इसमें जो बीच दिख रहा है ना, इसमें ये वाला बड़ा जगह हो गया, तो इसमें एक लाइन और लगाएंगे खीरे से में। बता दो कि दूरी है कि फीट की है खीरे से खीरे की दूरी। और इधर से लगता है दो दो फीट में है, तो इसमें धागा लगाएंगे तो एडजस्ट हो ही जाएगा। देखिए बता दो कि इसमें गोबर की खाद, DAP, यूरिया, पोटाश सभी मिक्स किए। इसके बाद मिट्टी को अच्छे से मिलाएं, फावड़ी से फिर लगाएं शाम के टाइम। देखिए मैं बताता हूँ कि इसमें ना जो तार बांस लगा है ना वाला धागा लगाया है, बरसात में इसमें करेले लगाए थे, तो इसको करेले को निकाल दिए, क्या बोलते हैं काट दिए इसके बेल को, और इसमें खीरा लगा दिए है। देखिए खीरा है, देखिए अभी लगाने से पैदा होता है कि रेट अच्छी मिलती है। त्यौहार के सीजन आएगा आने वाले में, तो लगभग 35 दिन में 30 दिन में फलना चालू होता है। किसान भाई वैरायटी के बारे में बात की जाए तो ये है कृषि विनार की, देखिए देखिए लगाए हैं ना तार पांच, ये लगभग 7-7 फीट की ऊंचाई तक लगा है धागा। देखिए कितना ऊंचाई में, खींचा इधर ना, अब करेले की तरह ले चलता हूँ आपको, जहाँ करेले लगाया हूँ। इधर करेला लगाया हूँ, देखिए इसको भी ट्री में तैयार किया था। ट्री में लगाने से क्या फ़ायदा होता है कि जब लगाएंगे तो इसका जड़ ग्रोथ जल्दी करता है और इसका तेज़ी से विकास होता है करेले का। इसका कारण यही है कि ट्री में लगाने से फ़ायदा ही होता है, बीमारी भी कम आती है ट्री में लगाया था। तो पहले जब पौधे स्वस्थ रहेगा तभी ना अच्छा प्रोडक्शन होगा, जब पौधे स्वस्थ नहीं रहेगा तो बोलेंगे कि अच्छा उत्पादन देगा, तो संभव नहीं है। पहले पौधों को केयर कीजिए, स्वस्थ कीजिए, फिर लगाइए अपने प्लांट में। ये देखिए ये पूरा करेला लगेगा लगा ही है। ये देखिए क्या होना, हम लोग गड्ढा इसको खन लेते हैं पहले। देखिए एक एक फीट की, देखिए इसमें लगाते हैं करेला। देखिए इसमें खाद हो गया, गोबर खाद हो गया मिला। देखिए खाद करके मिक्स किए हैं, इसलिए थोड़ा जड़ गहरा तक जाएगा। देखिए गोबर की खाद मिक्स है इसमें, इसको फिर यहाँ से मिट्टी को भर देते हैं ऐसा कर कर कर, फिर
फिर इसी के ऊपर क्रेडिट लगाते हैं। देखिए इधर को कल लगा चुके हैं, इधर को आज लगाएंगे, इसमें इसमें भी लगाएंगे और इसमें भी तेल एंड बच्चा लगाने के लिए। देखिए उधर लगा चुके हैं, ये देखिए कल टाइम नहीं मिल पाया इसलिए पूरा लगा नहीं पाया, इधर आज लगाएंगे। आपको बताते हैं कि वैरायटी के बारे में बात की जाए तो VNR की NT77 है। किसान भाई बता दूँ कि मैं, देखिए किसान भाइयों इसमें भी करेला तैयार कर रहे थे, जो और करेला बचा है, जो बचा ना खेत और उसमें लगाएंगे। किसान भाई बता दूँ कि मैं आपको डिस्ट्रोजन में भी तैयार कर किया हूँ, इसको देखिए जो पानी नहीं बीती है उसमें तैयार किया हूँ, अच्छी ग्रोथ होता है इसमें भी, मिट्टी डाल देते हैं बिना कोकोपीट के ही अच्छी ग्रोथ करती है। और उधर ये है ब्रोकली, तो इसको भी लगाऊंगा तो वीडियो जरूर बनाऊंगा ब्रोकली का। तो करेला जो पचा है उसको उस जो खाली है बाड़ी उसमें भी लगाएंगे पूरे में, और घर में साइड में करेले सीजन में, और अच्छा प्रोडक्शन हुआ था इसलिए मैं दोबारा इसको खेती कर रहा हूँ। मेरे को करेले में सबसे वैरायटी बेस्ट लगा VNR की NT77। यदि किसान भाई आप भी लगाना चाहते हैं तो इसको लगा सकते हैं बेहिचक, मैं इसको पिछले साल 2 साल से खेती कर रहा हूँ और अच्छी वैरायटी है। मैं आपको दिखाऊंगा अभी जब करेला तैयार होगा ना तो वीडियो फीड बनाऊंगा कि कैसा प्रोडक्शन है इसका। तो और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा, तभी तो पता चलेगा कि आने वाले सीजन में इसका प्रोडक्शन कैसा है, रन कैसा है। तो आप भी लगाएंगे तो जानेंगे कि हाँ कि इसका प्रोडक्शन ठीक ठाक है, जब देखेंगे तभी ना लगाएंगे कि कैसा होता है इसका बढ़वार, कैसा होता है फल का साइज़ कैसा होता है। ये ठंडे के सीजन में अभी सितंबर चल रहा है, सितंबर अक्टूबर का लास्ट में तो फलना चालू हो जाएगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी तक चलती है, इस लंबी खेती है इसकी। क्या होता है ना ठंडी में ज़्यादा चलती है, बीमारी की समस्या नहीं रहती, कभी कभार वाइट फ्लाई लगती है, इसके कंट्रोल के लिए इसी टाइम में PT 20% SP का इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ वही, अब कुछ ज़्यादा बीमारी नहीं लगती ठंडी सीजन में, कीड़ा भी कंट्रोल रहता है और वाइट फ्लाई भी रहता है, लेकिन थोड़ा मोड़ा एक आध बार स्प्रे कर दिए सप्ताह में तो भी कंट्रोल में आ ही जाते हैं। किसान भाई इसका बेनिफिट यही है कि ठंडी में एवरेज भी अच्छी रहती है, 60-70 रुपये रहती है। तो किसान भाइयों आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।